जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 अररिया जिला के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं, जो कि ब्लॉक वाइज आपको मास्टर चार्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों आप बहुत दिन इंतजार कर लिए, अब आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका फिजिकल शुरू होने जा रहा है, जिसका मास्टर चार्ट भी जारी आज कर दिया गया है, यानी 4 मई आज है। आज का डेट में आपको मास्टर चार्ट आ गया है सभी ब्लॉक का। जो भी अररिया में आपको ब्लॉक आता है, जैसे कि आपको अररिया ग्रामीण हो गया, भरगामा हो गया, इस प्रकार से जो भी है आपको, फारबिसगंज हो गया, जो भी है आपका ब्लॉक यानी प्रखंड, उसका सभी का मास्टर चार्ट आ गया है। तो कैसे चेक करना है इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों देखिए, मैं ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूं, जो कि अररिया जिला के। यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों आपको होमगार्ड के आवेदकों को ब्लॉक वार सूची, यहां पर विज्ञापन संख्या 02/2011 यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर आपका सभी जो भी आपका प्रखंड है यानी ब्लॉक है, यहां पर देखिए अररिया ग्रामीण है, भरगामा है, फारबिसगंज है, जो कि हाट है, जो भी आपका है दोस्तों, प्लासी यहाँ पर जो भी है, आप रानी गंगा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं डाउनलोड करके फर्स्ट में देखता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है और आपको क्या क्या बताया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी आवेदन किए हैं उनका यहाँ पर पावती संख्या है, यहाँ पर फर्स्ट में आपको देख सकते हैं बबलू कुमार शाह है, शिवानंद शाह इनका पिता का नाम है, इनका जो पता है यहाँ पर देख सकते हैं रामपुर कोदर कट्ठी की का लिखा है, जो भी आप चेक कर लीजिए आपका पता है। इनका जो प्रखंड है अररिया है, और इनका जन्म तिथि है 4 जुलाई 1990 का इनका जन्म तिथि। यहाँ पर यह क्लास 5 यानी पश्चिम पर अप्लाई किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं इनका जाति भी लिखा है। दोस्तों एक बात यहाँ पर एक बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि यह मास्टर चार्ट जारी किया गया है प्रखंड वाइज, लेकिन आपको मास्टर चार्ट से ही आप जिसका कम है उम्र यानी आपका जिसका कम है जन्म तिथि, उनको अलग कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में पावती संख्या 7, यहाँ पर रविंद्र कुमार शाह एक कैंडिडेट हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए लाल से इनको रेड कलर से यहाँ पर इंगित किया गया है। इनका जन्म तिथि है 15 फरवरी 1992, यहाँ पर देखिए कम उम्र भी लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत कैंडिडेट हैं, यहाँ पर भी देखिए यह रेड क्रॉस दिया गया है, यहाँ पर आपको रेड से सूरज कुमार शाह यहाँ पर देखिए। दोस्तों एक और नीचे कैंडिडेट हैं, तो इन लोगों का कम उम्र के कारण यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों कोई फेक वीडियो नहीं है, जो भी कम उम्र के अभ्यर्थी है आपको फिजिकल के बाद भी हटा दिया जा रहा है, फिजिकल के पहले भी। देखिए यहाँ पर आपको सिस्टम लगाया गया है कि पहले ही मास्टर चार्ट में आपको बता दिया जा रहा है कि आपका उम्र कम है। इस प्रकार से बहुत सारा कैंडिडेट हैं जो भी आपका, देखिए यहाँ पर नीचे में 2 जगह आपको दिया गया है कम उम्र वाले को, यहाँ पर अलग कर दिया गया है। तो आप इसी प्रकार से अपना मास्टर चार्ट, जो भी आप प्रखंड से आते हैं, यहाँ पर सभी प्रखंड हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने भाई समझ के, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, खुद फॉर्म अप्लाई करता हूँ, इसलिए जो भी मेरे पास सही जानकारी होता है वही जानकारी आपको देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।